हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी फेयर प्ले यस आपने अपने प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ ये स्टोरी डिस्कस कर रही थी ये चैप्टर फेयर प्ले चैप्टर नंबर सेवन क्लास सिक्स इंग्लिश का हनी सकल का और इसमें हमने ये देखा था कि टू फ्रेंड्स हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख हाँ और किस तरह से उनके बीच में एक दरार आ गई दोनों की दोस्ती टूट गई तो पार्ट टू तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी तो अब मैं पार्ट थ्री आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ सी डेज़ पास्ट अब आपने देखा कि मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि जुम्मन अब उसका दोस्त था जो अलगू चौधरी का अब उसका दुश्मन बन गया एंड ही वॉज जस्ट सर्चिंग फॉर अट अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंच वो उसे बदला लेने की ताक में था डेज़ पास्ट एंड एज इ लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट येस टाइट स्पॉट मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन अलगू चौधरी को एक मुश्किल घड़ी आ गई उसके ऊपर वन ऑफ इज फाइन पेयर ऑफ बुल्क्स डाइट बुलक होते हैं बैल ठीक है तो उसके बाद एक जोड़ी बैलों की थी जिनसे वो खेती किया करता था तो उनमें से एक बैल मर जाता है एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू टू समझू साहू समझू साहू जो कि एक कार ड्राइवर था बैल काड़ी थी उसके पास उसको उसने अपना एक बैल बेच दिया

फिर अलगू ने साहू को बोला भाई तुमने मेरे से बैल खरीदा था पैसा नहीं दिया साहू गॉट वेरी अनोयड अनोयड मीन्स उसको बहुत गुस्सा आ गया एंग्रीन आई कान पे यू अ पेनी फॉर देट रेचड बीस्ट येस रेचड मीन्स वो सिक जो आपने उस सिख बीस्ट मीन्स एनिमल जो कहते तुमने मुझे वो जानवर वो बैल दिया वो कैसा था ही ब्रॉट एज नथिंग बट रूइन कहते कि वो उसने तो मुझे बर्बाद कर दिया वो तो मर गया आई हैव अ बुलक कहते अब एक ही हो सकता है एक ही महीने के अंदर तो वो मर गया तो मेरे पास भी एक बैल है ले जाओ उसको यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी कहते अब ये हो सकता है मैं पैसे तो दूंगा नहीं मैंने एक महीने तुम्हारा बैल यूज़ किया तो मेरे बैल को यूज़ करके एक महीने बाद मुझे वापस कर देना नो मनी फॉर द डेड बुलाक हिस्से डेंगरली कहते मैं नहीं देता तुम्हें मनी ना अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत अब अलगू ने सोचा ऐसे तो ये देगा नहीं पंचायत में चलते हैं सो फॉर अंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वेड तो सेकेंड टाइम में वो पंचायत के लिए दोबारा पंचायत बैठी एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग एंड देयर सपोर्ट तो दोनों ने अपने लिए अपने गवाह तैयार किए ठीक है नाउ सी द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री दोबारा उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगी अलगू स्टूडअप एंड सेट द वॉयस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ द गॉड सो लेट साहू नॉमिनेट दैड पंच आई विन अबॉइड बाई हिज डिसीशन कहती कि ठीक है अलगू खड़ा हुआ उसने कहा कि साहू को मैं ये अधिकार देता हूँ कि वो अपने हिसाब से किसी को भी हेड पंच बना दे बिकॉज आई बिलीव आई बिलीव दैट वॉयस ऑफ गॉड पंच वॉयस ऑफ पंच इज़ वॉइस ऑफ गॉड कि पंच जो भी फैसला करेगा वो सही करेगा नेम ऑफ जुम्मन और साहू बड़ा तेज निकला उसने कहा जुम्मन की इसके साथ दुश्मनी है जुम्मन को पंच बनाता हूँ और जुम्मन अपना बदला ले लेगा अलगूज हार्ट सैंक हार्ट सैंक मीन्स उसका दिल टूट गया एंड ही डेल घबरा गया वो बट वॉट कुड ही डू अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था वो बोल चुका था द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच रियलाइज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज जैसे ही जो मन जज बना तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि थे मैं जज बन गया हूँ एंड द डिग्निटी ऑफ इस ऑफिस यानी ऑफिस में तो नहीं बैठे थे वो लोग बट जज जज की जो पोस्ट होती है उसकी डिग्निटी उसकी रिस्पेक्ट ठीक है डिग्निटी होती है बेटा रिस्पेक्ट उसको ख्याल आया कि अगर मैंने अब इस कुर्सी पर बैठ कर जज की पोस्ट पर बैठ कर अगर मैंने गलत डिसीजन दिया तो ये अपमान होगा पंच का पंचायत का कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव रिवेंज नाउ अब वो जज बन चुका था जज की कुर्सी पर उसको बिठा दिया था क्या यहाँ बैठ कर उसको अपना रिवेंज लेना चाहिए ही थॉट एंड थाट वो सोचता रहा नो ही मस्ट नॉट फिर उसके दिल ने जवाब दिया कि नहीं सही फैसला करना गलत फैसला मत करना ठीक है ये यह देखो यहाँ पर फिर से पंचायत बैठी है नाव अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस उसने कहा कि डोंट अलाउ डोंट अलाओ अपनी पर्सनल फीलिंग्स अपने पर्सनल रिवेंजिस को फैसले के बीच में मत आने देना बहुत हल्कू एंड साउ स्टेटेड देर केसिस देवर क्रॉस एग्जामिंड एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली दोनों से सवाल जवाब पूछे गए अब जब उसने देन जुम्मन स्टूड अप एन अनाउंस फिर जुम्मन ने अनाउंस किया इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक कहते हमारा फैसला है कि साहू को समझू साहू को अलगू को उसके पैसे देने चाहिए क्योंकि वेन साहू बॉट द बुलक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिससेबिलिटी और डिजीज क्योंकि जब उसने बैल बेचा तो वो बिल्कुल सही था उसको कोई बीमारी नहीं थी कोई डिसेबिलिटी नहीं थी द डैथ ऑफ बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मीन्स बैड लक कहते डेथ हो गई उसकी बैल की जाके तो ये बदकिस्मती है लेकिन इसमें अलगू का तो कोई कसूर नहीं अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स अब कल अलगू बहुत खुश हुआ ही अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन विक्ट्री टू द पंचायत जिस इज जस्टिस कहते ये न्याय है गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच कहते पंच की आवाज़ में सच में सरपंच की आवाज़ में गॉड रहता है नाउ सोन आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू एम्बरेस्ड ही मैं सैड और उसके बाद जुम्मन आया अलगू के पास और उसको गले लगाया एम्बरेस्ड मीन्स गले लगाना सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम येनी मीन कहते मैं तो तुम्हारा दुश्मन बन चुका था बट टूडे आई रियलाइज वॉट इट मीन टू बी अ पंच लेकिन कहते हैं आज मुझे एहसास हुआ कि जब पंच बन जाते हैं तो हम अपने दोस्तों दुश्मनों का ख्याल नहीं करते हमें सही फैसला करना होता है अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी ही नोज ओनली जस्टिस सिर्फ न्याय चाहता है वो लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ और फ्रॉम फ्रेंडशिप और एनिमिटी डेविएट होता है हट जाना कहते कोई भी अपनी दुश्मनी या अपनी दोस्ती के लिए किसी को भी अपने न्याय का जो रास्ता है वो छोड़ना नहीं चाहिए नाउ अल्गू एम्बरेस्ट हिस्स फ्रेंड एंड वेप्ट वो दोनों रोए एंड हिस्टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम नाउ द स्टोरी इज रिटन बाई प्रेमचंद प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं तो उन्होंने हिंदी में ये स्टोरी लिखी थी लेकिन आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके बताया गया है स्टूडेंट्स नाउ लेट अस डिस्कस दिस दिज क्वेश्चंस जल्दी से हम कर लेते हैं ये मैच द सेंटेंसेस है वन पार्ट में है कुछ टू में है सी जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स क्यों है इन द एबसेंस ऑफ वन द दूक केयर ऑफ हिस फैमिली इतने अच्छे दोस्त थे वो दैन जुम्मन आन ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम एक कंडीशन पे ऑन द कंडीशन दैट वॉज ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर ये टू आएगा मैचिंग होगी द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत आंट ने क्यों डिसाइड किया कि वो पंचायत में जाएंगी बिकॉज शी वॉन्टेड जस्टिस क्योंकि उनको जस्टिस चाहिए थी येस yes. और पंचायत में ही जस्टिस मिलती अलगू वॉज अन विलिंग टू सपोर्ट द आंट अलगू क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहता था अपनी आंट को बिकॉज uh, uh, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग ये सी इसका दूसरा हम देखते हैं लास्ट वाला क्या है जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंचर क्यों था वो बिकॉज ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम ये वो चाहता था ये इसमें जो फोर्थ है कि अलकू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट दट वो नहीं उसको सपोर्ट uh, करना चाहता था अब क्यों बिकॉज द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर क्योंकि वो उसके वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल uh, है इसलिए वो नहीं कर रहा था उसको एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड यस एक बार फिर से करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स ओके यस द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हीम एंड जुमन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हाँ ये है ये भी है उसमें यस स्टूडेंट्स सी इसमें है ये uh, आप इसको इसी तरह से मैच करेंगे ओके यस देन हुज दिस टू हूम एंड वाई सी माय वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस ये किसने कहा अलगू ने सॉरी जुम्मन ने कहा अपनी आंट से क्यों कहा बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसको मंथली अलाउंस देना है बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप माई माई नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर ये आंट ने कहा अलगू से बिकॉज शी वॉन्टेड हिम टू कम टू द पंचायत एंड टू स्पीक द ट्रुथ दैन वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस उसने कहा कि तुमने अपने डिफेंस में क्या कहना है ये किसने कहा अलगू ने कहा जुम्मन से आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द रेच बीस यू सोल्ड में ये समझू सा उन्होंने कहा कि इसको अलगू को क्योंकि वो बुलट मर चुका था और वो पे नहीं करना चाह रहा था विक्टी टू द पंचायत एंड दिस इज जस्टिस ये कहा अलगू ने क्यों कहा बिकॉज ही कॉट द जस्टिस क्योंकि उसको जस्टिस मिल गई देन देन द सिचुएशन चेंज्ड कौन सी सिचुएशन थी इसमें वो सिचुएशन जब जुम्मन ने अपनी आंट का ख्याल रखना छोड़ दिया then second is when juman's aunt realized that she was not welcome in his house what arrangement did she suggest kya bola usne, usne just bola that please give me monthly allowance so that i could set up my separate kitchen then what was villagers' reaction when the aunt explained her case to him some sympathized some laughed and some advised her to make an agreement then why was Juman happy over Algu's nomination because he thought that uh, this um, uh, Juman is uh, Algu is going to uh, give the judgment in favor of him then God lives in the heart of the Punch that aunt said what did she mean wo ye keh rahi thi कि Punch की voice भगवान की voice है तो भगवान जैसे कभी गलत नहीं करता Punch भी गलत नहीं करेगा what was Algu's verdict as head Punch वर्डिक्ट होता है फैसला अलगू ने क्या फैसला दिया कि या तो वो आंट को मंथली अलाउंस दे दे जुम्मन और फिर या फिर उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे अलगू फाइंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट क्या प्रॉब्लम थी उसका एक बुलक बेचारा मर गया था देन वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन क्योंकि अलगू की दोस्ती तो टूट चुकी थी और उसको पक्का पता था कि जुम्मन उसे बतला लेगा

किसी को भी कभी भी न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए ना ही अपनी दोस्ती के लिए ना ही अपनी दुश्मनी के लिए ओके देन यहाँ पर कुछ आपके बेटा वो है वर्किंग विद लैंग्वेज है यहाँ ये यह सारे आपके फ्रेजेस हैं जो मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से जिनके मीनिंग आपको मैंने इसमें समझाए हैं ठीक है ये ये पूरे वही हैं ठीक है थीके? यही भी है वही हैं आपको इसको मेंटेन करना है ठीक है आपको यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप ये जो फ्रेजेस हैं सेट के साथ आए हैं हम तो वो आपको उनको मैच करना है इसके साथ ओके जैसे सेटअप होता है कीप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस जैसे ये है सेट असाइड होता है आ, आपका जैसे कि आप आ, कुछ चीज कुछ अलग हाँ असाइड यहाँ पे इसका सेफ मीनिंग है सेटअप होता है कोई अलग से प्ले स्टार्ट करना सेट असाइड होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी चीज़ को अलग से लिखना सेट डाउन होता है टू राइट ये सामने सामने दिए हुए हैं बेटा इसके मीनिंग आपको सिर्फ इसको यूज़ uh, करके इनको भरना है जैसे वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज़ ऑन पेपर तो क्या आएगा यहाँ पर सेट डाउन आएगा ठीक है आप क्यों नहीं अपने पेपर को राइट कर लेते हो लिख के रख लो फंड हैज़ बिन अप यहाँ पर आएगा सेट अप यहाँ पर आएगा सॉरी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर आएगा सेट अप एक फंड रखा गया वी शुड लिटिल मनी एवरी मंथ का मतलब होता है स्टार्ट होना देन डैश ऑन द लास्ट डेज ऑफ देर जर्नी आएगा सेट आउट ठीक है सेट आउट तो इस तरह से है स्पीकिंग एंड राइटिंग की एक्सरसाइजेस है ये स्टूडेंट्स नाउ आई थिंक दैट everything is very very clear to you and please students if you really find it helpful please like share and subscribe my channel thank you students